गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम लोग चैप्टर वन की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में आपने एक्टिव इनवर्स के बारे में जानकारी की थी, आज हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में जानकारी करेंगे। बच्चों, पहले वीडियो और दूसरे वीडियो में हमने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर अच्छी तरीके से हम लोगों ने सीखा। बच्चों, जब आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में जानकारी की थी, वहाँ हमने पढ़ा था अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका रिजल्ट 1 आता है, इसका मतलब तो वो नंबर हमारा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। सपोज दैट ये सॉल्यूशन में देखिए, पहला अब जो है पार्ट हमारा माइनस थर्टीन, इसका जो है हमको निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये 1 हो जाए। इधर देख लीजिए, माइनस थर्टीन है, हमने आपको बताया था आपको कुछ नहीं करना है, केवल उसी नंबर का इनवर्स कर देना है। इनवर्स मीन 1 अपान कर देना है, साइन वही रहेगा, साइन नहीं चेंज करना है आपको। यहाँ 13 से 13 कटेगा, 1 हो जाएगा। कभी ऐसा नहीं करेंगे आप यहाँ से साइन गायब कर देंगे तो राउंड हो जाएगा। साइन उसका जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, साइन में कोई परिवर्तन आप नहीं लेंगे। तो इस तरीके से हम देखेंगे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा माइनस, या ऊपर लिख सकते हो 1/-13 लिखिए, या इसी को आप जो है -1/13 भी लिख सकते हैं। ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपका 1/-13 या -1/13 होगा। स्टूडेंट्स जरा केयर करेंगे आप, ये इतने क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बाकी सारे क्वेश्चन आप स्वयं होमवर्क में करोगे। एक क्वेश्चन हमने समझा दिया, हाँ यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 4th में देखिए, ये नंबर हमारा थोड़ा बड़ा दिख रहा है। स्टूडेंट्स पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि ये दोनों फ्रैक्शंस हैं और फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते समय न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ तो 5 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे और 8 का 7 से, इस तरीके से जो भी रिजल्ट आएगा उसका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे और यही सिस्टम आप लगाएंगे, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। बच्चों तो हमारे सामने समझ लिया कि आपको ये बात सारी समझ में आ गई होगी। यहाँ केयर करना है आपको, यहाँ केयर करना है, यहाँ देखिए यहाँ भी 2 नंबर है, यहाँ पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप, फिर जो नंबर हमको रिजल्ट में मिलेगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप फाइंड करेंगे। यहाँ -1 है, -1 का -1 ही हो जाएगा, क्योंकि -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट हमको 1 मिलेगा। सिंपल चीज इसको आपको ध्यान में रखना है कि आपका रिजल्ट 1 आना चाहिए, कोई भी ऐसा नंबर आप चूज करेंगे तो। इसके लिए बहुत सिंपल तरीका, आपको उसका इन्वर्स कर लेना। आपको कभी कभी लगता है इसका इन्वर्स तो कुछ है ही नहीं, ये सपोज दैट -1 है, तो -1 को अगर -1/1 लिखो, इसका इन्वर्स करेंगे तो 1/-1 होगा, तो ये भी फिर घूम करके क्या -1 ही होगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन के बाकी जो पार्ट हैं सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स वाला, ये आप अपने आप कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्यान देंगे यहाँ, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स पहले 2 जो लेक्चर जो हम लोगों के थे, हमने बड़ा अच्छा अध्ययन किया था प्रॉपर्टी के बारे में, बहुत अच्छा हमने सीखा था कि जैसे पिछले क्लास में हम जो होल नंबर और नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, और इसमें हम पढ़ रहे हैं रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी। रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी में जितनी प्रॉपर्टी पीछे होल नंबर और नेचुरल की हमने पढ़ी थी, उसी से मिलती जुलती सारी प्रॉपर्टियां हैं, पर कितने वहाँ नंबर हमारे चेंज, वहाँ हमारे होल नंबर और
नेचुरल नंबर यूज किए थे वहां उनकी जगह पे हम रेशनल नंबर यूज करेंगे। और हमने ये भी सीखा था कि कहां हमारी ये प्रॉपर्टी काम करेगी कहां नहीं करेगी। तो ये है पैरा अंडर मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन पर कौन कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ यूज हुई है ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन आपका माइनस फोर अपॉन फाइव मल्टीप्लाई वन इक्वल वन मल्टीप्लाई माइनस फोर अपॉन फाइव इक्वल माइनस फोर अपॉन फाइव। वहां आपने आइडेंटिटी के बारे में पढ़ा था। यहाँ ये आइडेंटिटी एक यहाँ यूज हुई थी जे आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ये आइडेंटिटी यहाँ यूज हुई मीन वन से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वही नंबर मिलेगा। यह है वन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा। यह रेशनल नंबर पे भी लागू होती है क्योंकि फोर अपॉन फाइव हमारा रेशनल नंबर है और वन से मल्टीप्लाई किया गया तो नंबर हमारा वही मिला माइनस फोर अपॉन फाइव। इसका मतलब इसमें आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन यूज हुई है। दूसरे को ध्यान से देखिए इधर माइनस थर्टीन अपॉन सेवनटीन मल्टीप्लाई माइनस टू अपॉन सेवन इक्वल माइनस टू अपॉन सेवन मल्टीप्लाई माइनस थर्टीन अपॉन सेवनटीन। अब यहाँ देखिए यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है मल्टीप्लीकेशन में। प्रॉपर्टी आपकी कौन सी यूज हुई है मीन क्लोजर है या कॉम्पिटेटिव है या जो एसोसिएटिव है ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। यहाँ आपकी कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है क्योंकि यहाँ केवल क्रम चेंज कर दिया गया है सीरियल इसका चेंज कर दिया। हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई करते समय अगर उनका क्रम चेंज कर दिया जाए तो उसके रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं बनता। इसलिए यहाँ पर आप लिखेंगे कौन सी प्रॉपर्टी हुई है कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी। तीसरा देखिए ध्यान से इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया तो वन आ गया। अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा अगर किसी नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और एक हो जाए इसका मतलब यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या है अगर किसी नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद वन फाइंड हो जाता है तो यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी हमारी यूज हुई मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर फोर एक पार्ट हमने किया बाकी आप करेंगे। फाइव में एक पार्ट हमने कर दिया दोनों पार्ट को हमने समझा भी दिया आपको। अब इस तरीके से हम लोग सिक्स नंबर पर चलते हैं। स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर सिक्स का स्टडी करेंगे। ध्यान से देखिए लिखा मल्टीप्लाई सिक्स अपॉन थर्टीन बाई द रेसिप्रोकल ऑफ माइनस सेवन अपॉन सिक्सटीन। स्टूडेंट्स यहाँ सबसे पहले आप रेसिप्रोकल ऑफ माइनस सेवन अपॉन सिक्सटीन फाइंड करेंगे। इसके लिए हमने बताया जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है वही रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में क्या करना है नंबर का इनवर्स कर देना है। यानी सबसे पहले आप माइनस सेवन अपॉन सिक्सटी का इनवर्स करेंगे मीन हो जाएगा माइनस सिक्सटीन अपॉन सेवन फिर उसको सिक्स अपॉन थर्टीन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेवन देखो ध्यान से लिखा टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउड यू टू कंप्यूट ये दिया हुआ। इसको ध्यान से देखो एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था किस किस पर जो एप्लीकेबल होती है हमने पढ़ा था कि यह जो हमारा ऐड पर और मल्टीप्लाई दोनों पर जो है एप्लीकेबल होती है। तो यहाँ से देखिए ध्यान से यहाँ हमारे पास थ्री नंबर्स हैं तो इनको मल्टीप्लाई करने के लिए पहले हमारा सेकंड और थर्ड नंबर यूज किया गया फिर वन अपॉन थ्री से मल्टीप्लाई किया गया। सेकंड में आइए तो वन अपॉन थ्री को पहले सिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया गया फिर फोर अपॉन थ्री से मल्टीप्लाई किया गया तो आंसर हमारा वही मिलेगा। हमको बताना है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। बच्चों इसमें जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज है एसोसिएटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज होगी तो आप यहाँ आगे लिख देंगे। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया इज एट अपॉन नाइन द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस वन होल वन अपॉन एट। क्या ये नंबर इस नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है
फाइव आर भाई ना है तब भी आपको बताना है, नहीं है तब भी बताना है, स्टूडेंट्स केयर करना है। अभी अभी हम लोगों ने सीखा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए, अगर नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद वन फाइंड हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये नंबर इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मीन इट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन सा, एट अपान नाइन माइनस वन होल वन अपान एट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा कब, देन द प्रोडक्ट शुड बी वन, यदि उनका मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर हमारा वन आ जाए, यानी हम कहेंगे यह होगा कब, जब इनका प्रोडक्ट वन होना चाहिए, अगर वन हो जाता तो हम कहेंगे कि हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो आइए चेक करते हैं, एट अपान नाइन मल्टीप्लाई बाई माइनस वन अपान वन होल वन अपान थ्री, या इसको यूं भी कर सकते हैं एट अपान नाइन मल्टीप्लाई बाई माइनस एट वन जा एट वन नाइन अपान एट, इसको देखेंगे आप यहाँ तो 9 से 9 कटेगा, 8 से 8 कटेगा, आंसर मिलेगा माइनस वन। अब माइनस वन आ गया, ये नॉट इक्वल वन के है, वन के इक्वल नहीं है, इसलिए आप कहेंगे कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। सो 8 अपॉन 9 इज नॉट मल्टी इनवर्स ऑफ माइनस वन होल वन अपान। ठीक इसी तरीके से स्टूडेंट्स नीचे क्वेश्चन दिया गया एकदम हुबहू इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, यहाँ पूछा है 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इतना वाई आर वाई ना बताना है, क्या है कि नहीं है। 0.3 को आप 3/10 भी लिख सकते हैं, आप यहाँ 3/10 का और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इफ नंबर इसका रिजल्ट जो हमको मिलता है 1 आ जाता है तो कहेंगे इस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, अगर नहीं आता तो आप लिखेंगे नहीं। तो बच्चों आगे के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं हम अगली वीडियो में शेयर करेंगे, तब तक लिए आपको जो भी बताया गया था उसको पुनः रिविजन करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो इसमें होमवर्क दिया गया है उसको पूरा करेंगे, इसके बाद भी अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट के द्वारा जानकारी देंगे और आगे जो भी एक्सरसाइज है जो भी नंबर है हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।